अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास फिफ्थ के बच्चों को फर्स्ट एड का बाकी हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। कल हमने पढ़ा है नेक्स्ट डे यान वेंट टू स्कूल लिंपिंग विद ए बैंडेज ऑन हिज नी। ये जो यान एक लड़का है इसमें, जो कल किचन में गिर गया था और वो ज़ख्मी हुआ था और उसके बहन ने उसको फर्स्ट एड दिया और उसके बाद उसके पेरेंट आए, वो घर पे नहीं थे, तो इन दोनों ने अपने बाप माँ बाप को एक कहानी सुनाई कि कैसे वो गिर गए और उसको कैसे इलाज किया। तो फिर उसके बाद बाप ने इसको टेटनस कराया और डॉक्टर के पास ले गए। फिर नेक्स्ट डे यान जब स्कूल गया तो वो उसको घुटने में बंडेज था, लगा हुआ था, और नी में भी। तो उसने डॉक्टर टीचर को बोला कि मैंने इस तरह से हुआ। ही वाज़ वॉकिंग विद डिफ़िकल्टी, जब वो लंगड़े की तरह चलने लगा। व्हेन द टीचर सॉ द बंडेज नी शी आस्क्ड अबाउट हिज इंजरी, तो उसने इस इंजरी के बारे में बोला, ज़ख्मी होने के बारे में बोला कि आपको कैसी लगी है। यान टोल्ड द होल इंसिडेंट, इसने सारा वाक़ा टीचर को सुनाया। सच इंसिडेंट्स हैपन ऑफन इन आवर लाइफ, वो शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू फेस सच सिचुएशंस। टीचर ने कहा कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे वाक़ात हमारे साथ होते रहते हैं, तो हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए इन सिचुएशनों के दौरान। द टीचर सेड इंसिडेंट्स लाइक दिस हैपन सडनली, अचानक हो जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स। दिस कैन हैपन ड्यू टू मैनी रीजनस, ये बहुत सारे वजूहात के बिना पे हो जाते हैं। लाइक हम खुद ही जल्दी करते हैं किसी काम को, इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो भी काम हो तो अच्छी तरीके से करना चाहिए, और केयरलेसली करते हैं हम, केयरलेसली मतलब लापरवाही से करते हैं। सच इंसिडेंट्स कैन हैपन एनी वायर, एट होम, ऑन द रोड, ऑन द प्ले ग्राउंड और एट स्कूल। तो टीचर ये नसीहत दे रही है इस बच्चे को कि हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे, रोड पे भी, घर में भी, तो स्कूल ग्राउंडों में भी, तो हमें तैयार रहना चाहिए इन सिचुएशनों को हैंडल करने के लिए। वी नीड सम इमीडिएट हेल्प इन सिचुएशंस लाइक दिस, तो हमें ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ हेल्प इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, द टीचर सेड। टीचर ने कहा हमें इस दौरान, इस सिचुएशन में फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है, फर्स्ट इलाज की ज़रूरत होती है, तो उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। टुडे लेट अस लर्न मोर अबाउट फर्स्ट एड, वी शैल मूव टू द हेल्थ रूम फॉर ए डिस्कशन। तो इस टीचर ने बोला कि हम हेल्थ रूम, इनका एक उधर था, एक क्लास था, तो वहाँ पर ही ये डिस्कस करने गए हैं सब बच्चे टीचर के साथ अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? वो देयर वी हैव फर्स्ट एड बॉक्स, यहाँ पे इनको फर्स्ट एड बॉक्स दिखाया गया। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है और इसमें क्या है? दिस बॉक्स इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प इन माइनर इंजरीज ड्यू टू इंसिडेंट्स, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि ऐसे ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है, ये बहुत ज़रूरत आती है, जैसे घर में या कहीं पे थोड़ी बहुत इन माइनर मतलब छोटी सी इंजरी हो जाए इंसान को। द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट हेल्प टू द इंसिडेंट विक्टिम। तो फर्स्ट एड बॉक्स में सारा कुछ, ये जो छोटा छोटा सामान है जो इस इंसिडेंट के दौरान हमें ज़रूरत आता है। दीज इंक्लूड बंडेज, एक इसमें बंडेज है, कॉटन है, वूल है, गाज है, एपायराफ सेसर्स है, ब्लेड है, पोटेशियम पर मैगनेट है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सेपरेट थर्मोमीटर एट्सट्रा। दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या क्या है? एक कॉटन, वूल है, गाज है, और एक कैंची है, एक ब्लेड है, और पोटेशियम पर मैग्नेट, एक लाल दवाला होता है, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी है, तो थर्मोमीटर भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ इस फर्स्ट एड बॉक्स में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। बाकी वसलाम।